सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग साउथ इंडियन बैंक को गूगल पे फ़ोनपे में कैसे लिंक करेंगे। देखिए, अगर आपका अकाउंट है तो जाहिर सी बात है आपका भी मन कभी ना कभी ज़रूर करता होगा कि मैं भी ऑनलाइन लेन देन करूँ और गूगल पे फ़ोनपे में अपने अकाउंट को लिंक करूँ, ठीक है। लेकिन ऐसे में जब आप अपने अकाउंट को लिंक करने जाते हैं तो असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपने अकाउंट को लिंक नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग लिंक कर पाओगे और क्या टेक्निक है, क्या तरीका है, कहां पर आप लोग मिस्टेक करते हो जिसके वजह से फेल हो जाते हो लिंक करने से। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं इस वीडियो में जो आप लोग को बताने वाला हूँ चीज़ें, उसे आप लोग थोड़ा गौर से सुने, क्योंकि यहीं पर आप लोग मिस्टेक करते हो जिसके वजह से आप लोगों का अकाउंट लिंक नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं देखिए हिंदी भाषा में ही बात करूँगा, मुझे दूसरी लैंग्वेज उतना ज़्यादा नहीं आती है और न ही मुझे इंग्लिश में मैं उतना ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो मिस्टेक आप लोग करते हो, पहला मिस्टेक ये है कि जब भी आप अपने अकाउंट को लिंक करने जाएँ, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि जो नंबर आपके अकाउंट में लिंक है, ठीक है, उसी नंबर से ही गूगल पे फ़ोनपे बनाएं। ये देखिए सोल्यूशन तो हर कोई देता है और मैं भी आप लोग को ये दे रहा हूँ कि आप लोग देखिए, ये प्राइमरी चीज़ है, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं पर बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक होता है, ठीक। और दूसरे नंबर पर ये दिक्कत होता है गाइस कि जब भी हम लोग अपने अकाउंट को लिंक करने जाते हैं ना, तो दिक्कत ये होता है कि हम लोग के सिम में बैलेंस जो है बहुत ही कम होता है, ठीक। बहुत ही कम होने का मतलब ये है कि 0 रुपये होता है, यानी कि SMS को आउट गोइंग जाने के लिए कम से कम सिम में 2 रुपये का, 1.5 रुपये का मेन बैलेंस चाहिए। ऐसे में हम लोग के सिम में बैलेंस होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कहोगे कि मैंने तो अनलिमिटेड रिचार्ज कराया है, तो यार देखो मेन फंडा यहाँ पर ये आता है कि सभी अनलिमिटेड रिचार्ज में, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग में आप लोग को SMS आउट गोइंग की सर्विस नहीं मिलती है, ठीक है, लिमिट में मिलता है, ठीक। तो ऐसे में जब लिमिट में आप लोग को SMS आउट गोइंग सर्विस मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है, तो आप लोग 10 रुपये का मिनिमम रिचार्ज ही करा लो, जो कि सबसे बेटर रहेगा SMS आउट गोइंग के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो, जब अकाउंट को आप लिंक करने जाते हो ना, तो वो देखो बैंक आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपके नंबर के ज़रिए एक मैसेज भेजता है आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है, होम ब्रांच में, जिससे कि आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो सके, ठीक है। तो उस मैसेज को भेजने के लिए जो डिलीवरी चार्ज लगता है वो करीबन 1.5 से 2 रुपये लगता है, डिपेंड करता है कौन बैंक है, ठीक है। इसलिए आपके सिम में कम से कम 2 रुपये का मेन बैलेंस होना चाहिए, ठीक। ये तो चीज़ें, ये भी चीज़ें लोग बताते हैं सब लोग, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बता रहा हूँ जिसे आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, होता ये है कि जब हम लोग अपने अकाउंट को लिंक करते हैं, ठीक है, तो जब SMS जाता है तो SMS कभी कभी जाता ही नहीं है, पैसा ही नहीं करता है, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक। तो देखिए, पीछे का रीज़न ये है कि जब आप लोग SMS भेजते हो तो पता चला एक नंबर वाले सिम जो है आपके अकाउंट में लिंक है और मैसेज जा रहा है 2 नंबर वाले सिम से, ठीक है। तो ऐसे में फेल्ड का बार बार इशू आता है, ठीक। या फिर आपका बैंक में लिंक है 2 नंबर वाला सिम और आपके सिम एक से जो है मैसेज जा रहा है, तो ऐसे में फेल का इशू आना 100% है, श्योर है, ठीक है। तो ऐसा स्थिति अगर आपके साथ आता है, ठीक, तो आप लोग देखिए SMS सेंड सेटिंग में जा करके डिफ़ॉल्ट SMS सेंड सेटिंग जो है ना, उसे आप लोग सही कर लीजिए। देखिए, अगर आप लोग को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बहुत ही सिंपल सा काम कर सकते हैं कि जो सिम आपके अकाउंट में लिंक नहीं है उसे अपने स्मार्टफोन से निकाल दीजिए, और जो लिंक है उसे अपने फ़ोन में रहने दीजिए। इसके बाद अकाउंट को लिंक करने के बाद दोबारा से उस सिम को लगा लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिससे आप लोगों का अकाउंट भी लिंक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। तो ये चीज़ें मैंने जो आप लोग को बताया इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और तीसरा नंबर पर यह है ना कि जो आप लोग एक ही नंबर में कई सारे अकाउंट लिंक कर देते हो, तो यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट लिंक का इशू आ जाता है, जिसकी वजह से अभी आप लोगों का बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो पाता है। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें।